हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के करेंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी आपका डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है उसके हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और ये जितने भी अपडेट हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हों, आप किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, डिफेंस, तो ये जितने भी वीडियो हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हुए इसलिए क्योंकि आज के समय में हर एक एग्जाम में करंट का जो वेटेज है, करंट अफेयर का वेटेज है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो दिस यूट्यूब चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है गाइज, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 सालों में हमारे देश में जो टाइगर्स की संख्या है वो 750 से ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, तो लगभग 8 सालों में इतने 750 टाइगर्स की संख्या में गिरावट आई है। इसके क्या कारण है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में बिगिनिंग से लेकर एंड तक बने रहिए गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अन अकेडमी इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले अन अकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सिलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अन अकेडमी पर 30+ कोर्सेस अवेलेबल है, तो आप अपना गोल सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आप अन अकेडमी पर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, अगर इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है तो आज आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करेंट अफेयर्स 10। तो जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा और साथ में सभी लेक्चर्स की PDF यहाँ पर फॉरवर्ड कर दी जाती है। एंड गाइज, अगर आप अन अकेडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका प्लान किस तरीके से पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 5,400 का विद 10% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना होता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा SKTLIVE है। अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6,480 का। सो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% डिस्काउंट पाने के लिए इस रेफरल कोड को यूज करना मत भूलिएगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा SKTLIVE। ठीक है गाइज, चलिए अब बात करते हैं रिपोर्ट की। तो जी हाँ, ये जो रिपोर्ट रिसेंटली आई है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, इन्होंने एक RTI का रिप्लाई करते हुए बताया, जो राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, कि देश में पिछले 8 सालों में 2012 से लेकर 2019 और 20 तक देखा जाए तो हमारे देश में जो टाइगर्स की संख्या है वो 250 कम हो गई है। ठीक है, इंडिया लॉस्ट 750 टाइगर्स ड्यूरिंग द पीरियड 2012 to 2020। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई, एग्जाम में जरूर याद रहेगा और नंबर सीधा सीधा याद रखिएगा। ठीक है, नंबर्स कितना है आपका 750 और ये रिपोर्ट दिया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो किसी पर्सन ने एक RTI फाइल की थी जिसके जरिए वो जानना चाहते थे कि लगभग पिछले 10 सालों में, उन्होंने 10 ईयर्स का डाटा जानना चाहता कि पिछले 10 सालों में जो टाइगर्स की संख्या है वो कितनी है। ठीक है, तो ये जो डाटा डिमांड किया गया था 2010 से लेकर 2020 तक का, लेकिन NTCA के द्वारा जो डाटा दिया गया, ओनली 8 ईयर्स का डाटा दिया गया कि पिछले 8 सालों में 750 टाइगर्स की संख्या कम हो गई है। ठीक है, इसके बहुत से कारण हैं। जो सबसे बड़ा कारण है वो एक तो शिकार और दूसरा इसके कई और भी कारण हैं, उन अदर कारणों पर हम लोग जाएंगे। तो ये रिपोर्ट का पॉइंट याद रखिएगा कि ठीक है, कितने टाइगर्स कम हुए और कितने सालों का रिपोर्ट है। दूसरा, अगर कुछ कॉजेज में जाएं तो कॉजेज में देखा जाए कि जो सबसे ज़्यादा टाइगर्स की संख्या कम हुई है वो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सबसे टॉप पोजीशन पर है जहां पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स की कैजुअल्टी हुई है और 750 में से देखा जाए तो लगभग 173, ठीक है, यानी 173 जो टाइगर्स हैं वो वहाँ पर ख़त्म हुए हैं। ठीक है, जिसमें से 30 ईयर्स को अगर देखा जाए तो पोचिंग की वजह से 98 की कुछ अपनी नेचुरल डेथ की वजह से ख़त्म हो गए। 19 की अभी स्क्रूटनी चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है कि ये किस कारण से इनकी डेथ हुई। ठीक है, और बाकी जो 6 टाइगर्स, उनकी जो डेथ हुई है अननेचुरल कॉजेज। ठीक है, और बाकी 16 की अगर हम बात करने जाएं तो सीजर्स। तो ये कुछ एक कारण है कि कितने टाइगर्स की संख्या किस वजह से कम हुई है, उसके पीछे कारण क्या रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टाइगर्स की संख्या कम देखने को मिली है, याद रखिएगा टॉप पोजिशन पर महाराष्ट्र है, ठीक है, टॉप पोजिशन पर सॉरी मध्य प्रदेश है
और सेकेंड पोजीशन पर महाराष्ट्र है, ठीक है। इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या कम हुई है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर है प्रेजेंट में, ये अभी की बात कर रहे हैं मौजूदा परिस्थिति में, कि जो सबसे ज्यादा देश में टाइगर्स की संख्या है वो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप जानते हैं देश में सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क की संख्या है वो भी आपके मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो एनटीसीए के द्वारा ये डाटा दिया गया है कि कितने टाइगर्स कम हुए, लेकिन ये जो टाइगर्स कम हुए इसके पीछे उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, ठीक है। कि डेथ होने के पीछे अगर शिकार हुआ है तो कौन से लोग शिकार करने वाले थे, उनके अगेंस्ट क्या इंक्वायरी की गई और उनके अगेंस्ट क्या प्रयास किए गए उनको ठीक करने का, और ये टाइगर्स की संख्या जो कम हो रही है इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसके लिए क्या प्रयास किए गए वो उन्होंने इस एप्लीकेशन में आरटीआई के रिप्लाई में नहीं बताया, सिर्फ डाटा फिगर दिया हुआ है कि कितने टाइगर्स की संख्या कम हुई है, ठीक है गाइस। अच्छा, दूसरा अगर देखा जाए तो 2019 को प्रकाश जावड़ेकर साहब ने ये कमेंट करके बताया था अपने ट्वीट के थ्रू भी और जो सोशल प्लेटफॉर्म है, कि लगभग 4 सालों में देखा जाए तो 750 टाइगर्स की संख्या बढ़ी थी, ठीक है। ये लास्ट 4 ईयर्स का डाटा था, और पहले देखा जाए 2019 से पहले तो टाइगर्स की संख्या थी 2226, और 2226 से जाकर के टाइगर्स की संख्या पहुंच गई थी 2976, ठीक है। तो लगभग 4 सालों में ये जो 750 टाइगर्स की वृद्धि हुई थी, लगभग 8 सालों में हमने उतने टाइगर्स खो दिए, ठीक है। दूसरा मैंने ये बताया कि मध्य प्रदेश सबसे टॉप पोजिशन पर है टाइगर्स की संख्या में भी, और कम होने की संख्या में भी महाराष्ट्र सेकंड पर है, कर्नाटका की बात करें तो थर्ड पे है। कर्नाटका ने 28 टाइगर्स को लगभग खो दिया है, ठीक है, ड्यू टू पोचिंग। 17 आसाम में, 14 उत्तराखंड में, 12 उत्तर प्रदेश में, 11 तमिलनाडु में, और 6 केरला में, 3 राजस्थान में। तो ये पूरा डाटा है कि कहां पर कितने टाइगर्स की डेथ हुई है, ठीक है गाइस। दूसरा, ठीक है, अब अगर इसकी बात करने जाए तो एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि लगभग जो 60% ऑफ टाइगर्स डेथ है इन इंडिया आर नॉट एट्रिब्यूटेड टू पोचिंग, ठीक है। तो लगभग जो 60% टाइगर्स की जो डेथ होती है दैट इज नॉट एट्रिब्यूटेड टू पोचिंग, ठीक है गाइस। अब लास्ट इंपॉर्टेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट देती है इसके बारे में आपको पता है, ठीक है। इसकी हम बात करने जा रहे हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन की बात करने जाए तो प्रकाश जावड़ेकर साहब है, और इसके हेडक्वार्टर से न्यू दिल्ली में, और इसी के द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि पिछले 8 सालों में 750 टाइगर्स इंडिया ने खो दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिपोर्ट आपको समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली एग्जाम में कर सकेंगे। कई जितने भी वीडियोज़ हैं ये अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन सबको जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम इसको चैनल को देख रहे हैं इस चैनल में वीडियो को, तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। डू योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे टॉपिक पर आप समझना चाहते हैं तो उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाकर वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज गाइस ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिस पर आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, और अगर आप गाइस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किसी भी कोर्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ये मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% तक का स्ट्रेट डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।